हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या शिवी का डाइवोर्स 3 दिन में, इट मीन्स कि आगे के कुछ दिनों में, उनके अकॉर्डिंग आगे के 3 दिनों में, मतलब जो एक अभी कपल कंपटीशन हो रहा है उसके बाद इन दोनों की कुछ लड़ाई होने वाली है बहुत बड़ी, और उसके बाद उस लड़ाई के दौरान इन दोनों बात करते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि 3 दिनों में डाइवोर्स इनका होने वाला है। सो क्या ये इस बार जो इनकी जो लड़ाई है जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो क्या ये फाइनल टर्न पे है अपने, मतलब क्या इनका डाइवोर्स रियल में होने वाला है? सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए बातें करते हैं इस बारे में कि क्या फाइनली इनका डाइवोर्स हो जाएगा, मतलब जिस हिसाब से इन लोग अब इस बार लड़ाई कर रहे हैं, और इस बार जो वो जो वीडियो हमने देखी, जो सेगमेंट दिखाया गया था SBS में, उसमें वो शिवा जो है वो अपने नए लुक में है। इट मीन्स कि वो ये जो कंपटीशन हो रहा है, कपल कंपटीशन, उसके बाद की ही लड़ाई है, क्योंकि उसके पहले तो अभी काफ़ी अच्छा दिखाया जा रहा है, और आज के एपिसोड में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया दोनों को देख के, कि और रावी की जेलसी देख के, और शिवा की स्माइल, और मतलब ऐसे लग रहा था कि अब सब कुछ शॉर्ट आउट होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके बाद होने वाली है बहुत बड़ी लड़ाई। सो उस लड़ाई में ही ये दोनों एक दूसरे के कहते हुए नजर आ रहे हैं, कि शिवा उसे कहता है रावी को कि मुझे तुझसे इस बार फाइनल छुटकारा चाहिए, और इस बार जैसे ही डाइवोर्स होगा तो इस घर से चले जाना और इस घर के आसपास भी नजर बताना। मतलब बहुत बड़ी लड़ाई दोनों ने लड़ाई के ही चक्कर में, मतलब गुस्से में एक दूसरे को बहुत सारी चीजें कह दी हैं, बहुत सारी बातें कह दी हैं। तो क्या होने वाला है आगे, क्या इनका डाइवोर्स हो जाएगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से, मतलब कोई भी रीजन हो उसके पीछे, और या फिर ये भी हो सकता है कि कोर्ट जाने के बाद, या फिर कुछ भी किसी भी रीजन से, बट डाइवोर्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि डाइवोर्स होगा। लेकिन हाँ, हम डाइवोर्स तक पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि और फिर भी इन लोग बात भी कर रहे हैं तो 3 दिनों के बाद की बात कर रहे हैं, और अक्सर ऐसा हो रहा है इन लोगों के बीच की जो लड़ाई होती है, और उसके बाद 3 दिन तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है, तो 3 दिनों में फिर इन दोनों को एक दूसरे के लिए रियलाइज होगा, क्योंकि अभी इन दोनों को एक दूसरे का प्यार जो है वो रियलाइज हो रहा है, जैसा कि रावी को बहुत ज्यादा दिशा से जलन हो रही है, और शिवा भी इस बात को मतलब उसे भी इस बात का एहसास हो रहा है। जब रावी को बुरा लग रहा है उसे दिशा के साथ देखकर, तो उसको बुरा लगता देखकर भी शिवा को बुरा लग रहा है। मतलब काफी चीजें हैं जो हमें ये चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इनका डाइवोर्स अब नहीं होगा, लेकिन तभी भी ये लड़ाई जो है ये दिखाकर हमें जरूर इस बात का मतलब शॉक दिया जाएगा कि क्या मतलब हो सकता है कि इनका डाइवोर्स हो जाए। और वैसे भी ई बस के एक इंटरव्यू में, जिसमें कवर और एलिस का जो एक इंटरव्यू अभी भी हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा, उनके चैनल पे है, अपलोड है। सो उसमें वो दोनों बात करते रहते हैं, तो जिसमें कवर जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ मतलब शिवा पंड्या, बट रावी जो है वो रावी पंड्या बोल के फिर कहती है कि अब तो मैं पंड्या नहीं रही। तो क्या इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि डाइवोर्स हो जाएगा, डाइवोर्स के बाद इनका फिर से पैचअप होगा? इस टाइप का तो कुछ स्टोरी नहीं होने वाला है, क्योंकि डाइवोर्स तो नहीं होता है, जैसे कि दूसरे वर्जन जो है इसके, उसमें डाइवोर्स नहीं हुआ है। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी मतलब ठीक है, इन दोनों को एक करने के लिए इन लोग, हो सकता है कि डाइवोर्स के लास्ट स्टेज तक, वहां तक लेकर जाए, कोर्ट तक बात पहुंचे, बट एक बार तो पहुंच ही चुकी है, दोबारा हो सकता है पहुंचे, बट डाइवोर्स तो नहीं होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं उम्मीद है इस चीज की कि इन लोगों को इतना ज्यादा खींचना चाहिए। और अब जहां पे उसी इंटरव्यू में ये दोनों एक दूसरे से प्यार के इजहार की भी बात करते हैं, जहां पे कवर और एलिस मतलब दोनों ही ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन पहले अपने प्यार का इजहार करता है, कौन पहले कन्फेस करता है। तो दोनों ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, इट मीन्स ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि हमें ये जो जेलेसी है और ये जो लड़ाई है ये एक्सट्रीम पहुंच जाए, और उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिले, जिसमें गुस्से ही गुस्से में दोनों में से कोई भी एक या कोई भी कन्फेस करता हुआ भी नजर आ सकता है। मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, और काफी ज्यादा, जैसा कि कवर भी ऐसा कह रहे थे और एलिस भी कह रही थी कि आप लोग जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और संडे का महा एपिसोड, उसमें तो मतलब वो महा एपिसोड
एपिसोड हो ही इसलिए रहा है क्योंकि शिवा का जो लुक चेंज होने वाला है, तो उससे रिलेटेड ये पूरा महा एपिसोड है। उसमें आप लोगों को जो मेन फोकस रहेगा उस एपिसोड का वो शिवा ही रहेगा। उसका लुक जो है वो एकदम पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। सो पूरा संडे के महा एपिसोड का मेन फोकस जो रहेगा वो शिवा पंड्या ही रहेगा। सो कंपटीशन के बारे में हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में हम इन लोगों के जो तलाक और कन्फेशन की जो बातें हैं वही करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने इसका इंटरव्यू देखा और मैंने थोड़ा बहुत जितने भी सेगमेंट्स थे वो सारी चीज़ें देखी और पढ़े भी कुछ कुछ आर्टिकल्स भी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि डाइवोर्स तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक्सट्रीम तक जरूर पहुंचेगा। इनकी लड़ाई होगी काफ़ी ज़्यादा और उसमें हमें ऐसा फील होगा कि जरूर इनका डाइवोर्स हो ही जाएगा। बट डाइवोर्स लास्टली एट द एंड डाइवोर्स नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न कुछ तो ऐसा आएगा, कुछ तो ऐसा होगा। क्योंकि शिवा जो है उसे कहता है कि तू घर पे बिल्कुल मत रहना और घर के आसपास भी मत भटकना। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो आई ही धरा के लिए है और धरा की प्रेगनेंसी पूरी प्रेगनेंसी वो वहां रहने वाली थी और उसके बेबी होने के पहले तो वो वहां से जा नहीं सकती है। लड़ाई लड़ाई में भले ही शिवा ने उसे ऐसा कह दिया है, बट वो तो वहां से जाएगी नहीं। और उसे पता है जबकि अनीता जो है वो गोम्बी और धरा के रिश्ते के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही है, तो वो ऐसे में तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएगी। तो कुछ तो ऐसी मजबूरी या कुछ तो ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा। हम लोग सोचेंगे नहीं कि ऐसा होगा और ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मेकर्स जो है वो बहुत चालाक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, मैं भी देखूंगी, आप भी देखिएगा, हम सभी यही देखते हैं कि कैसे क्या क्या होता है, क्योंकि इसको तो अभी लंबा टाइम है। अभी तो हमें कपल कॉम्पिटिशन देखना है, उसमें लड़ाइयां देखनी है। जब रामायण का सेगमेंट पूरा हफ्ते इतने दिनों से खींचा गया है, तो कपल कंपटीशन कितने दिन का होगा ये तो हम लोग सोच ही नहीं सकते। सो पूरा एक हफ्ता समझ जाइए, ये जो चीजें हैं ये हमें कुछ दिनों के बाद ही देखने को मिलेगी। तो वेट करते हैं इन दोनों की उस लड़ाई का, कि उस लड़ाई के बाद क्या होगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मन में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्यूरी हो, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। आप ही लोगों में से किसी के प्यारे से किसी कॉमेंट के साथ जो आप लोग कॉमेंट करते हैं उससे रिलेटेड ही मैं, जब ज्यादा कॉमेंट्स आने लगते हैं तो मैं वीडियोज बनाती हूँ। दोस्तों चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।